एक फायर सेफ्टी ऑफिसर के जॉब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक सिंबल है, एक ऐसे सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर एक खोपड़ी रखी हुई है, ठीक है, और उसके चारों तरफ उसमें दो तरह का ऐसे बोन बनाए गए हैं, एक ऐसे यानी एक खोपड़ी रखी होगी, एक ऐसे बनाया गया, एक ऐसे बनाया गया, उसके बीच में खोपड़ी रखी गई है, उस सिंबल का क्या नाम है बताइए। यानी एक डेंजर, उसको नॉर्मल तो डेंजर बोलते हैं, उस डेंजर सिंबल में एक खोपड़ी रखा हुआ है, दो हड्डियां लगी हुई हैं नीचे, उस सिंबल का क्या नाम है, उसका यूज क्या है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? एक खोपड़ी है, इधर भी हड्डी इधर भी हड्डी, उसके ऊपर खोपड़ी रखा हुआ है, वह सिंबल क्या है? डेफिनेटली वह डेंजर सिंबल है, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है और उसका यूज कहां पे किया जाता है, वास्तव में उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, अक्सर आप कहीं भी किसी भी साइट पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप घूमते हुए भी आप देखिए कई जगह इस तरह का एक खोपड़ी का सिंबल और उसमें दो हड्डियां लगी हुई एक सिंबल बना हुआ होता है। उस सिंबल का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, खतरा, ठीक है, खतरा, खतरा होता है। ये ऐसी चीज है जहां पे जीवन मतलब आपका मतलब मौत भी हो सकती है, जान भी जा सकती है, इस चीज को बताने के लिए किया जाता है। और मैं आपको बताते चलूं, इसे हम कहते हैं एक्यूट टॉक्सिटी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये क्यूट टॉक्सिटी, जहां भी होगा कैटेगरी जीरो सॉरी कैटेगरी वन से लेकर के थ्री तक, जहां भी एक्यूट टॉक्सिटी की लेवल वन से लेकर लेवल थ्री तक कैटेगरी है, तो वहां पे हम इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। और जहां सवाल इसका नाम क्या होता है, तो नाम इसको हम कहते हैं GHS06। क्या नाम है? 06। इसको कई जगह 06 भी बोला जाता है, और अगर पूरी बात में करूं तो इसे बोला जाता है GHS06 बोला जाता है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जहां भी खोपड़ी का सिंबल और दो बोन के साथ अगर लगा हो तो उसे हम GHS06 के नाम से जानते हैं। और इसका मकसद जो क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो होता है एक्यूट टॉक्सिटी के लिए यूज किया जाता है। यह लेवल वन से लेकर यानी जो कैटेगरी होती है वह वन से लेकर थ्री के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक खोपड़ी और दो हड्डी लगा करके एक सिंबल बनाया गया है, उसका क्या मतलब है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपका होना चाहिए, उसे हम एक्यूट टॉक्सिटी कहते हैं, जो क्राइटेरिया वन से लेकर के या लेवल वन से लेकर लेवल थ्री तक, यानी हर चीज का है ना एक्यूट टॉक्सिटी। आपने पढ़ा होगा कि कैटेगरी वन में क्या है, कैटेगरी टू में क्या है, कैटेगरी थ्री में क्या है, तो इस चीज को इस चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, GHS06, क्या होता है, 06 होता है। तो बहुत सीधा सा स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होता है आपका, इस चीज को आप बताएंगे डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप अपना एग्जाम पास कर पाएंगे, इंटरव्यू पास कर पाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।